इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में समझेंगे स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, पर इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में समझेंगे, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को देखेंगे। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट टू फ्लो नियर द सरफेस और स्किन ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। मतलब स्किन इफेक्ट के केस में अल्टरनेटिंग करेंट कंडक्टर के होल एरिया से फ्लो ना करके कंडक्टर के आउटर सरफेस के नियर से फ्लो करता है, तो उस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट बोलेंगे। सपोज यहाँ पर कोई कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, एंड स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है कि मैक्सिमम करंट जो है स्किन से फ्लो करने लगती है, एंड मिडिल वाला जो पार्ट है वहाँ से काफ़ी कम करंट फ्लो करती है, एंड ड्यू टू स्किन इफेक्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझते हैं। जो कंडक्टर रहता है वो डिफरेंट लेयर्स से मिलकर कंसिस्ट होता है। स्टार्टिंग में कंडक्टर के ऑल लेयर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, एंड करंट के कारण ईच लेयर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होती है। कंडक्टर के मिडिल लेयर्स में करंट फ्लो करने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है उसके कारण वहाँ पर फ्लक्स लिंकेज काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लिंकेज है वो कम होता है, एंड जो मिडिल में डिफरेंट लेयर्स के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें फ्लक्स का लिंकेज काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होने के कारण इम्पीडेंस इंक्रीज होता है। दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। मतलब बोल सकते हैं कि कंडक्टर के मिडिल पार्ट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू मोर फ्लक्स लिंकेज, एंड करेंट की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करने के लिए ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ को फाइंड करती है। सिंस कंडक्टर के आउटर लेयर पर फ्लक्स लिंकेज कम होता है एंड रेजिस्टेंस लो होता है कंपेयर टू मिडिल पार्ट, तो मैक्सिमम करंट जो है वो कंडक्टर के आउटर लेयर और सरफेस से फ्लो करने लगती है इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू होल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ऐसा होने से कंडक्टर में पावर लॉस होता है, एंड पावर ट्रांसमिशन इफिशियंसी जो है वो लो हो जाती है। इस टर्म को और भी क्लियर करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग देखते हैं। जो इम्पीडेंस जेड है वो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस से मिलकर बनता है, दैट इज़ Z = R + XL। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है वो एसी करंट को किस तरह से अफेक्ट करता है उसको समझते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म ऑकर होता है, मतलब कोई कंडक्टर है तो उसमें पोर्शन पर सेम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं R = ρL/A। कोई भी मटेरियल में ये तीनों कांस्टेंट रहता है, एंड अगर रिएक्टेंस की बात करें तो XL = 2πfL होता है। इसमें 2π कांस्टेंट रहता है, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, एंड जो इंडक्टेंस L है वो वैरी करता है, एंड इसके वैरी करने से ही इनडायरेक्टली करंट वैरी होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को साई से डिनोट करते हैं, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। जब किसी कॉयल से करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। एज वी नो इंडक्टेंस L = φ/I, वेयर φ इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, I इज़ द करंट। इस तरह भी लिख सकते हैं ψ/I, वेयर ψ इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंडक्टेंस जो है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्टेंस भी चेंज होगा, एंड इंडक्टेंस के चेंज होने से इनडायरेक्टली करंट वैरी करेगी। और स्किन इफेक्ट में भी वही हो रहा था, फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होने से इंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा था, और इंडक्टेंस क्या है, लाइक रेजिस्टेंस बिहेव करता है, जिससे काफ़ी कम करंट मिडिल पार्ट से फ्लो करती है। मिडिल पार्ट में फ्लक्स लिंकेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, एंड फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होने से उस एरिया का इंडक्टेंस इंक्रीज होता है, जिससे करंट अफेक्ट होती है। जो स्किन इफेक्ट है वो ओनली एसी करंट में ऑकर होता है। डीसी करंट के केस में स्किन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी लेस होती है डीसी पावर, एंड फ्रीक्वेंसी 0 होने से पूरा टर्म 0 हो जाता है, मतलब एक्सएल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो जेड जो है दैट इज़ इम्पीडेंस, वो कम्प्लीटली रेजिस्टेंस पर डिपेंड होगा, एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल में कांस्टेंट रहता है, उसका वैल्यू वेरी नहीं करता है। इसलिए डीसी करंट के केस में कंडक्टर के होल क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो करती है, वहाँ पे स्किन इफेक्ट ओकर नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं स्किन इफेक्ट को प्रिवेंट कैसे कर सकते। फर्स्ट है वी शुड यूज अ स्ट्रैंडेड वायर। अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर मल्टीपल स्मॉल स्ट्रैंड से मिलकर कंसिस्ट होता है इंस्टेड ऑफ सिंगल कंडक्टर। सो अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करने से स्किन इफेक्ट रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थिक कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कंडक्टर का जो थिकनेस है उसको हम लोग कम कर देंगे यूजिंग होलो कंडक्टर। एज वी नो स्किन इफेक्ट के केस में मिडिल से करंट फ्लो बहुत कम करती है, इसलिए हम लोग होलो पाइप का यूज़ करेंगे। ऐसा करने से स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर में जब हम लोग होलो पाइप का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है ट्रांसमिशन लाइन से जब भी एसी पावर ट्रांसमिट करेंगे तो वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा हाई रखेंगे एंड करंट को रिड्यूस कर देंगे। ऐसा करने से स्किन इफेक्ट जो है वो रिड्यूस होगा। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्किन इफेक्ट। तो कुछ फैक्टर्स है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्किन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ कंडक्टर। स्किन इफेक्ट जो है वो शेप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड रहता है। अगर सॉलिड है तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा एंड कंडक्टर अगर स्ट्रैंडेड रहेगा तो वहाँ पे स्किन इफेक्ट कम होगा। नेक्स्ट है डायमीटर। स्किन इफेक्ट जो है वो कंडक्टर डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर का डायमीटर जितना ज़्यादा रहेगा स्किन इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। डायमीटर हम लोग जितना कम रखेंगे स्किन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा कम होगा। नेक्स्ट है मटेरियल। अब कंडक्टर के लिए हम कौन सा मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं उस पर भी स्किन इफेक्ट डिपेंड रहता है। मटेरियल का परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगी कंपेयर टू हैविंग लो परमिएबिलिटी, क्योंकि हाई परमिएबिलिटी वाले मटेरियल जो रहेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को और सपोर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एंड फ्लक्स का लिंकेज और भी ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग उस टाइप के मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसका परमिएबिलिटी थोड़ा कम होना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो स्किन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर में टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा स्किन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्किन इफेक्ट। अगर ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा स्किन इफेक्ट ओकर होगा तो उससे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो डिक्रीज होगा, वहाँ पर कॉपर लॉस इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा एंड ट्रांसमिशन सिस्टम का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो लो हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्किन इफेक्ट। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।